Hare
فلم يشهدوا كيتنا قرنا شكنا في دول عاشين سربتوا بمنتم فاشعبي قاندوا مريكشن سمنتا بيتكان لك جودي مكرمين وما كرم وَمَاسْيَ مِشْوَاسْيَ بَرَمْ لِلْعَالَمْ وَمَاسْيَ يَشَاشْ وَفَدَرْ بَدُوْتَ سَنَاكَ نَسْوَمْ قُرْهُ مَتُوْمِي أَنَا بِمَدْحَانْ جَمَنَنْ شفي سوريا ليتنا أشعامي بامديك هدى شبطن سوبي لزاوي سوبي لن أغنطن جاوك بديو جيب من كرمي بيابتن ويكي نبي شسك سروا إشتاك بوطنبوك ومبيان كبيرا نوكت كيانك جريكم مراتما عميق وانسور شمراء زنبي شجانك
जी का पाठ 18वां अध्याय प्रारंभ से श्लोक संख्या 10 तक। वसुदेव सुतं देवं कंस चारुरमादनं देवकी परमानंदं कृष्णं वंदे जगद्गुरु अथास्ताध्याय अर्जुन उवाच सन्यासस्य महाबहो तत्त्वमेच्छामि वेदितुम् त्यागस्य च ऋषिकेश पृथक् केशिनिसूदन श्रीभुवनुवाच काम्यानां कर्मणां न्यासं संन्यासं कवयो विदुः सर्वकर्मफलत्यागं त्याहोस्त्यागं विचक्षणा त्याज्यं दोषवदित्येके कर्म प्राहुर्मनीषिणा यज्ञदान तपः कर्म न त्याज्यमिति चापरे
निश्चयं शृणु मे तत्र क्या वे भरत सत्तमा क्या वो हि पुरुष व्याघ्रोतिव संप्रकीर्तित यज्ञदान तपः कर्म न त्याज्यं कार्यमेव तत् यज्ञो दानं तपश्चैव पावनानि मनीषिणाम् एतान्यपि तु कर्माणि सङ्गं त्यक्त्वा फलानि च कर्तव्यानीति मे पार्थ निश्चितं मतमोत्तमम् नियतस्य तु संन्यास कर्मणो नोपपद्यते मोहात्तस्य परित्याग सामसः परिकीर्तितः दुःखमेत्येव यत्कर्म कायक्लेशभयात्यजे सकृत्वा राजसंत्यागं नैव त्यागफलं लभे कार्यमेत्येव यत्कर्म नियतं क्रियते अर्जुना सङ्गं त्यक्त्वा फलं चैव सत्यागः सात्विको मतः न द्वेष्ट्य कुशलं कर्म कुशलेनानुसज्जते यागी सत्त्वसमावेष्टो मेधावीच्छिन्न संशय न द्वेष्ट्य कुशलं कर्म कुशलेनानुसज्जते यागी सत्त्वसमावेष्टो मेधावीच्छिन्न संशय वसुदेवसुतं देवं कंसचारूढमार्दनं देवकी परमानन्दं कृष्णं वन्दे जगद्गुरुं कृष्णं वन्दे जगद्गुरुं हरे शरण Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna,
राम। यह प्रवचन परम सिद्धे स्वामी जी श्री राम सुखदास जी महाराज द्वारा आश्विन कृष्ण अमावस्या विक्रम संवत 2051 तय अनुसार 5 अक्टूबर 1994 को प्रातः 5 बजे प्रार्थना स्तुति के बाद हरे कुटीर वृंदावन में हुआ। राम 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 आवश्यक है कि एक दृढ़ निश्चय कर लेगा अपने ये करना है चाहे शुभ हो। भर्ती हरि ने कहा है कि नंदन तुम्हें त्रिपुणा यदि वास्तवंतु लक्ष्मी समावशत हुआ यथेष्टम गच्छत हुआ यथेष्टम अद्यैव मे मरणमस्तु युगांतरे वा न्याय्यात् पथ प्रविचरन्ति पदं धीरा। चाहे सुख आवे दुख आवे आदर हुए निरादर हुए निंदा हुए स्तुति हुए धन आवे चला जाओ सही ठीक रहे भी ठीक रहे लेकिन कोई बड़ा नहीं अपने तो ये काम करना है इसमें चलना है परमात्मा की प्राप्ति करना है तत्व ज्ञान प्राप्त करना है प्रेम प्राप्त करना है ये मार्ग अलग है प्रेम प्राप्त करना है तत्व ज्ञान करना है दो मार्ग है ये तो इसमें अपने तो चलना है चाहे सो हो जाए ऐसे दृढ़ता से रखी जाए तो काम सिद्ध हो जाता है और विचलित होते हैं तो सिद्ध नहीं होता। सुन लिया छोड़ दिया सुन लिया छोड़ दिया सुन लिया तो विशेष लाभ नहीं होता। वास्तविक मनुष्य जन्म की सफलता नहीं होती। जितना साधन करो वो तो अच्छा है परंतु वर्तमान में विलक्षणता हो जाए अपनी ये बिना दृढ़ता के नहीं होती। इसके लिए मैं कहता हूँ कि अपना अहम जो है मैंपन है इस मैंपन में ये कर रहे हैं मैं तो साधक हूँ साधन करने वाला हूँ जैसे लोभी हूँ धन कमाना है मैं तो फिर धन कमाने लग जाएगा वो मैं तो मान चाहता हूँ वाह वाह चाहता हूँ दुनिया में तो उसमें लग जाएगा। सांसारिक काम तो सिद्ध होंगे नहीं होंगे दोनों बात है और पारमार्थ सिद्धि होगी ये निश्चित बात है। विद्या पढ़कर विद्वान बन जाऊं यशस्वी हो जाऊं मिनिस्टर बन जाऊं ऐसा हो जाऊं ये बात दोनों एक बात है। चलम अध्रुवम चल है होगा नहीं होगा विचारने है होगा जो होगा तो फिर चलो रहेगा नहीं वो तो होने में संदेह पर रहना बिल्कुल संदेह नहीं रहेगी नहीं और पारमार्थ की सिद्धि होने में तो उसमें लग जाएगा। सांसारिक काम तो सिद्ध होंगे नहीं होंगे दोनों बात है और पारमार्थ की सिद्धि होगी ये निश्चित बात है। विद्या पढ़कर विद्वान बन जाऊं यशस्वी हो जाऊं मिनिस्टर बन जाऊं ऐसा हो जाऊं ये बात दोनों एक बात है। चलम अध्रुवम चल है होगा नहीं होगा विचारने है होगा जो होगा तो फिर चलो रहेगा नहीं वो तो होने में संदेह पर रहना बिल्कुल संदेह नहीं रहेगी नहीं और पारमार्थ की सिद्धि होने में निसंदेह नहीं रोग होने पर यंग पर लाभम और यज्ञातवाना पुनर्मोहम उसके बाद फिर होगा नहीं वो तो हो ही जाएगा काम ख्याल में मन बात क्या है। दूसरे शब्दों में कहता हूँ एक तरफ तो है संसार और एक तरफ है परमात्मा और ये है बीच में चाहे परमात्मा की तरफ चले चाहे संसार की तरफ चले ये बीच में है। तो संसार की जब तरफ जब मुख रहेगा तो ना संसार की सिद्धि होगी ना परमात्मा की सिद्धि होगी क्योंकि संसार की सिद्धि तो होने में संदेह हो जाए तो रहेगी नहीं ये तो एक तरफ जाएगी और पारमार्थ की सिद्धि है वो होगी और होने पर मिटेगी नहीं वो एक तरफ जाएगी। इस वास्ते उद्देश्य बनना ये हमें तो परमात्मा की प्राप्ति करना है ऐसा पक्का उद्देश्य हो जाए फिर क्या होगा कि जितनी प्रवृत्ति है वो सबकी प्रवृत्ति सबकी सब प्रवृत्ति उस आपके उद्देश्य की सिद्धि में लग जाएगी
जैसे गंगोत्री से गोमुख से गंगा जी की धारा निकली गोमुखी से, तो गंगा जी की धारा निकली तो गंगा जी तब चली, तो चलती रही समुद्री तब चलती रही, तो बीच में नदी और नाले और झरने और नदियां मिलती रही, मिलती मिलती समुद्र गई है, कलकत्ते के पास आती है, जो समुद्र में चले वो जहाज चलते उस गंगा जी में छोटी सी धारा, परंतु वो धारा धुन एक समुद्र में जाती है, तो दूसरी नदियां मिलती गई, गंगा जी भी मिल गई, जमुना जी मिल गई, घाघरा भी मिल गई, सरयू भी मिल गई, कई नदियां आकर मिल गई और झरना मिल गए, वर्षा हो तो वर्षा का जल मिल जाता है, सब आकर एक मिलता है तो बड़ा प्रभाव हो जाता है। इस तरह से आप एक काम करोगे पारमार्थिक उन्नति में, तो व्यवहार के काम भी आपकी सहायता कर देंगे। मैंने ये बात देखी है, मित्रता रखने वाले भी सहायक होते हैं, शत्रुता रखने वाले भी सहायक होते हैं, उदासीन रहने वाले भी सहायक होते हैं। मेरे दो तीन सारी घटना हुई है, जो विरोध किया है वो विरोध वास्तव में हमारी सफलता में हेतु हुआ है। ये बात एकदम पक्की है, विरोध करे तो क्या होगा। नारद जी महाराज बैठे और उनको वो कामदेव ने विघ्न किया तो पक्के रहे, तो उनके कामदेव ने आकर के नमस्कार किया और माफी मांगी, विरुद्ध करने वाला भी अनुकूल हो गया, यार अनुकूल है और संसार से भी भगवान का भक्त है अनुकूल होता है। चोर और डाकू जो दुनिया को लूटते हैं, जंगल में बैठे किसी साधु को देखे तो सेवा करते हैं, भगवान देव लगता है तो हरेक की आ जाती है मन में, दुष्टता करते हैं तो वो दुष्टता भी सज्जनता में आ जाती है, उसका नतीजा अच्छा निकलता है, क्यों वो रास्ते सही रास्ते पर है परमात्मा की तरफ, तो परमात्मा की सहायता करते हैं। और जितने संत हुए हैं, जितने महात्मा हैं, अभी जितने होंगे, सबकी सम्मति हमारे साथ है, ये संसार के साथ कौन है। धनी धनी के साथ नहीं होगा, धनी निर्धन के साथ नहीं होगा, निर्धन धनी के साथ नहीं होगा, धनी धनी आपस में लड़ेंगे, ये साथ कौन देगा। इधर साधक साधक एक हो जाएंगे, साधक सिद्ध एक हो जाएंगे, साधन कर नहीं करना वे एक हो जाएंगे। ये बात ख्याल में आती है कि नहीं, शंका हो तो बोलो भाई। साधन करने वाले जो ठीक साधन करते हैं उसमें भेद नहीं होता, ये जो संप्रदायों का भेद होता है वे साधन करने वाले नहीं है, कोरा जय बोलते हैं उनमें भेद होता है, अपनी लड़ाई होती है। और सच्चे हृदय को साधन करे तो लड़ाई नहीं होती। मुसलमान सच्चे हृदय से अपने धर्म के अनुसार साधन करे, फकीर मस्त हो जाए, किसी बैर नहीं हो किसी साथ ही, हिंदू से बैर हो गई। यहाँ वैष्णव संप्रदाय भी कई है, यहाँ चार संप्रदाय है वृंदावन में भी, परंतु वही अगर अपने साधन में लग जाए तो बैर कब करे, भगत ही नहीं करने के लिए कब करे, किस समय करे, भजन स्मरण में टाइम ही नहीं मिलता। भजन स्वर्ण नहीं कर पक्ष बांध कर दोनों नुकसान करें अपना। तो पारमार्थिक उद्देश्य अगर दृढ़ हो जाए तो सब ठीक हो जाएंगे। जैसे लोभी आदमी सब सह सकता है पर पैसा का नाश नहीं सह सकता, वो सब सह लेगा, निंदा सह लेगा, स्तुति करे निंदा करे आपने को भला कहेगा, निराश करे कोई आदर करे, कोई ठीक है कोई बेठीक है, जो कुछ कह दे वो सर है सभी, पैसा का नुकसान नहीं है, ये नहीं सह सकते भाई, इस तरह से साधने का नुकसान नहीं सह सकते। और सब कुछ करो हाँ नहीं होगा, ऐसे साधन का नुकसान नहीं सह सकते, ऐसे दृढ़ता हो जाए तो उसकी सिद्धि हो जाती, सब साथ हो जाते हैं उसके, टेढ़े मेढ़े चलते चलते भी साथ हो जाते हैं। और बड़े भाई साहब भगवान है, कबीर साहब की निंदा हुई
तो ये तो बिगड़ गया। कभी वो बिगड़ो राम भाई थे मत बिगड़ो मेरा भाई, कभी बिगड़ गयो मेरा भाई गलदेव कहे बिगड़ी हो बिगड़ गई। तो वे निंदा करते हुए करते रहे, कबीर साहब को भी चाहिए ठीक है, वे निंदा करने वाले भक्त हो गए। तुकाराम जी के साथ बैर करने वाले वे विषय सज्जन हो गए। अब ठीक हो जाए तुलसीदास जी महाराज के विरोध करने वाले काशीवाज काशी वाले प्रसारक हो गए, वो अपने ठीक बात पर भगवान पर चले। न किसी राग है ना द्वेष है, अपने भगवान का भजन करना है। किसी राग करें किसी द्वेष करें किसी को भला करें किसी को बुरा करें, परमात्मा तरफ चलना है। तो ऐसी दृढ़ता हो जाए अपने में तो सब काम ठीक हो जाए, बिल्कुल एकदम ठीक बात है। तो दृढ़ता कब होती है? अहंकार के बदलने से। अहंकार के तीन रूप होते हैं, और जो मैं हूँ ये मैंपन है, मैंपन को चाहे तो मिटा दो, चाहे तो मिटा दो, चाहे शुद्ध कर दो, चाहे बदल दो। मिटाना तो काम है ज्ञान योग का, और शुद्ध करना है कर्मयोग का काम, और बदलने लगा है भक्ति योग का काम। अशाभिमान जाए नहीं भोरे, मैं सेवक रघुपति पति भोरे, मेरे भगवान है मैं भगवान का हूँ, मैं गृहस्थी नहीं हूँ न मैं साधु नहीं हूँ। एक बार बात चली कि भगवान न गृहस्थी को मिलते न साधु को मिलते न भोगी को मिलते, किसी को नहीं मिलते, साधु को भी नहीं मिलते, गृहस्थी को भी मिलते, किसको मिलते हैं? भगत को मिलते हैं। भगत हो साधु गृहस्थी नहीं होता, भगत होता है वो भगवान का, साधु होता है न ग्रस्त होता है, न ब्राह्मण होता है न क्षति होता है न वेश होता है न शूद्र होता है। शंकराचार्य लिखे मैं न संन्यासी हो न गृह हो न ब्राह्मण हो न वेश हो न क्षति हो नहीं हो, गोस्वामी बना लिखे है कोई भगत को जुल्हा को कोई मेरे जुल्हा कहे तो कहो, हमें किसी देना देने किसी को देना नहीं, हम है शो भगवान का हूँ मैं तो। हम कोई कह तो कह दो क्या अर्ज हुआ अपने, मैं तो भगवान का हूँ। जाति पाति में वो पक्ष नहीं होता, विरोध नहीं होता, आग्रह नहीं होता। धर्म पालन करने के लिए जो ब्राह्मण है तो ब्राह्मण का धर्म पालन कर, साधु तो साधु का, गृहस्थी तो गृहस्थी का धर्म। मैं हूँ भगवान का और कर नहीं हूँ मैं, ये मेरा मैंने कहा मेरे तो गिरधर गोपाल दूसरा और कोई और मेरा नहीं है, मेरा केवल भगवान ही है, मेरे तो गिरधर गोपाल दूसरा और कोई। पक्की बात है एकदम सच्ची बात, ऐसे मैं तो भगवान का हूँ, भगवान तेरे चलूंगा, ऐसा पक्का विचार हो जाए तो भगवान की तरफ की बाधा नहीं सह सकता, वो नुकसान नहीं सह सकता। जैसे लोग पैसा नुकसान नहीं सह सकता, भाई सुधर लेगा, जमाई सुधर लेगा, ससुर सुधर लेगा, और पैसा का नुकसान नहीं सहेगा, और शुद्ध कर दे परवाह नहीं। ऐसे साधु होता है वो साधन का नुकसान नहीं सह सकता, और सब कर लो क्या बात है। तो ऐसा पक्का विचार हो जाए तो अहंता को बदल दे, भगवान का हूँ मैं, साधक कर्म योगी हूँ, ज्ञानी योगी हूँ, भक्ति योगी हूँ, जो हो गए एक हो जाए अपना, मैं तो भगवान का भक्त हूँ, भगवान मेरे हैं, मेरे तो गिरधर गोपाल दूसरा न कोई, जाकर सिर मोर मुकुट मेरो पति सोई, मेरे तो गिरधर गोपाल दूसरा न कोई, ऐसा एक विचार। अब इसमें कोई शंका और बोलो, कोई शंका संदेह हो तो बात बड़ी पक्की हो जाएगी, अपना विचार से एक रह गया। अब यहाँ वृंदावन में प्राय करके साधन करने वाले रहते हैं, जो बाहर से आकर रहते हैं घर में रहते हैं रहते ही है, वहां भी बस भजन ध्यान करेंगे तो उनको फिर किसी पक्षपात में किसी संप्रदाय में नहीं फंसना चाहिए, राग द्वेष में दो पार्टियों में नहीं फंसना, ये तो यहाँ भजन नहीं होगा फिर, नहीं किसी ने दोस्ती नहीं किसी से पैर, नहीं किसी के सिर भरी नहीं किसी के बैर, ये बात सबसे सज्जनता प्रेम से सब बोले।
ना तो ज्यादा घनिष्ठता मिल जाए, ना गरीब किसी से बैर करे, नहीं किसी से दोस्ती, नहीं किसी से बैर, सबके साथ प्रेम का आदर का सत्कार का बर्ताव, न किसी का पक्षपात, ऐसे कर तो बड़ा साधन चलेगा, नहीं तो आपस में उलझ जाएंगे, भजन करेंगे उलझ करेंगे फिर। इस वास्ते एक भगवान में लग जाए, हमें तो करना है, इतना दिन हुआ सो हुआ, अब हमें करना है, अब और नहीं, अब तो केवल भगवान में है, केवल परमात्मा की तरफ से रहना है। आप साफ ठीक होगा, सद्बुद्धि देंगे, भगवान देंगे, पक्का विचार बना दो। तेरे भावे जो गुरु भलो बुरो संसार, नारायण तू बैठ के अपनो भवन बुहार, दूसरा जो करे करते रहे, कोई किसी पार्टी में, कोई किसी पार्टी में, कोई किसी में, कोई किसी में, कोई किसी संप्रदाय में, कोई किसी संप्रदाय में, सबका बहुत ठीक भाई, हम तो अपना जो मार्ग है वही करेंगे। एक मैंने सुना आत्मानंद जी सूर्य वाले मदन, तो मैं सब बात अनुकूल नहीं कहता, वो कैसे बन जाओ सभी, पर एक दृष्टांत बताता हूँ, तो मैं नहीं चलूंगा, मेरे को जो गुरु जी ने बता दिया है मैं वही चलूंगा, कोई दूसरी बात सुन तो बैम पड़ जाएगा, अगर वो बताओ तो मैं करता ही हूँ, इस वास्ते तो मैं नहीं चलूंगा, नहीं गए। ऐसे पक्के थे बाराम सिंह जी, बड़ी प्रशंसा सुनी मैंने उनकी, पुरुष थानदार थे, जो कहीं लड़ाई हो तो उनके पास आते, तो वो कहता कि कहा ऐसे मौका देने चलो, तो ऊंट लाता तो कहता किराया लेगा तो चलूंगा, नहीं चलूंगा जरूर, अपना किराया कर ऊंट कर चढ़ता, अरे वो किराया देकर चढ़ते देखता और कर देता, अरे वो कह देता आगे जयपुर में उनकी बात ही सिद्ध होती, राम सिंह ने कह दिया पक्की मानते उनको, और वो कहता देख अगर ये कुछ नहीं करे ठीक रह जाए तो तेरे कुछ नहीं कहेंगे, नहीं तो फंसा देंगे, ऐसे पक्के आदमी थे। तो उनकी बात मदन जी कहते थे कि एक दिन बैठे थे कुर्सी पर, अगर टेबल पड़ी थी, एक आदमी जा रहे इतना रुपये में मिठाई लिया, हम दुकान से मिठाई लिया, वो मिठाई लेकर आया, मिठाई ला करके वो आ गई और धरा, ऐसे ठोकरा थी टोकरी धरी तो वो ऐसे बोली थी, एक डबू खुलकर फूट गया, बुलाया उसको आओ इधर, वो कहाँ से लाया, क्या दुकान से, कितना लाया, कितना कितने का, इतने का, अधिक लाया, कि मैं कहा थानेदार जी के लिए ले जाता हूँ, तो एक लाडू उसने और धर दिया, जा पैसा देगा उसका, पैसा दे उसका, मेरा लाडू फूट गया कैसे, मेरा लाडू फूट नहीं सकता। देख रहा हूँ ऐसी घटनाएं उनकी सुनी, मेरा कैसे फूट जाए, पैसा दो, यही लगू पैसा हो, पैसा दे रहा हो। उनके लड़की जन्मे, जो वह लड़की खेलती थी ना, तो लाड करते आओ महारानी साहब पधारो, महारानी साहब पधारो, जो स्त्री कहती वो महारानी बनाओ, किसी राजा को ब्याह हो महारानी बनाओ, लाड करते महाराणी साहब, महारानी साहब पधारो, महारानी साहब। वो महाराज एक रजपूत को ब्याही गई, रजपूत को हुआ थाइसिस बीमारी, चौथ हो गया सब गए ठीक नहीं हुआ, तो खूर गांव खूर के ठाकर है, तो खूर में वो रहते थे, राजपूत खूर हो गई, वहां गई ठाकुर थे, वहां कहीं कोई संबंध था, तो वहां रहते थे, वो बीमारी बढ़ती गई, बढ़ती बढ़ती बहुत ज्यादा बढ़ गई, तो नीचे तो वो पति थे रोगी, ऊपर वो थी, ऊपर के मकान में रहती थी, तो वो आई जो है देखा, कहा दिया आदमियों को ठोड़ बता दी, ये ठोड़ है, इस ठोड़ दाग करना, उन्होंने दाग किया अपने पति ने बता दी, जगह बता दी, और फिर श्रृंगार किया सब असली तरह से, जैसे स्वागत के छोड़े श्रृंगार करते, जैसे जैसा है वैसे किया, खूब श्रृंगार किया, और वो जो प्राण दे दिया उसने, वो श्रृंगार किया, लोग वो आ रही है, तो वो कहते मैं जाऊंगी साथ में,
वही महाराणी साहब कहते थे वही छोकरी। खुद ठाकुर से पूछा गया महाराज वो सतियों जा रहे जान दो राजपूत की बेटी है राजपूत क्या बात है। तो उनको लेकर के जर्गी बना दू कि जो हो जाए देख ले कोई बात नहीं राजपूत है सती है। तो ऐसी महारानी हुई वो सती हो गई जो सब लोग मैं सती माता करते थे। फिर वो कुछ नहीं हुआ ठीक है। छोटा भाई था उनके पास रहता था गान के पास में तो वो रोने लगे वहां गए मैं से दे रुपया काट पा देते मिठा लेना रोता है अरे राजपूत रहा करता है राजपूत स्कूल रोता है बंद हो गया सती होगी। तो ऐसी उनकी घटनाएं सुनी थी राम सिंह जी और वो देखे वो आदमी मिले मेरे को ऐसे थे मंडा बजे। तो पक्का आदमी होता है ना एक वो खरा होता है फिर वो अपना बिजली नहीं हो तो भगवान वो खरे के साथ रहते पक्का होते रहे साथ ना थोड़ा कम है कोई बात हो तो पूछो अपने नियम में भगवान के भजन में मैं भगवान का हूँ भगवान मेरे हैं सच्ची बात है संसार के हम नहीं है संसार हमारा नहीं है शरीर हम नहीं है शरीर से हम अलग हैं। ये बात तो पहले ही धारण कर लेनी चाहिए कि शरीर तो बदलता है हम थोड़े बदलते हैं। बालकपन से आज देखो तो शरीर तो कितना ही बदल गया मन तो मैं तो वही हूँ जो बालकपन में था तो मैं तो निरंतर वही रहा शरीर बदल गया शरीर तो इस शरीर को छूटने के बाद दूसरा शरीर धारण कर लेगा और मैं थोड़ी जो हो जाऊंगा मैं तो वही हूँ वो मैं हूँ परमात्मा का अंश शरीर है संसार का अंश। तो शरीर को लगा दो संसार की सेवा में अपने को लगा दो भगवान की सेवा में मैं भगवान का हूँ भगवान मेरे हैं शरीर संसार का संपत्ति संसार की सेवा में संसार की जो संसार की सेवा में लगा दो और भगवान एक हो जाओ फिर सब काम ठीक हो जाएगा। नारायण 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 मैं सेवक रघुपति पति मोरी बस अभिमानी अभिमान है अभिमान छोड़ना कहते हैं निर्भिमान हो निर्भमो निरहंकार है शांति में गति पर तो अहंकार बदला है ये ज्ञान योग में तो तोड़ देते हैं और कर्म योग से शुद्ध करते हैं भक्ति योग में बदल देते हैं। जैसे आपकी कन्या आपकी कहलाती है अब वो ससुराल कहलाएगी आपकी नहीं कहलाएगी तो अहंकार को बदलना है। साधु होते हैं वो गृहस्थ नहीं कहलाते अब वो साधु हो गए अब घर वाले मर जाए कोई परवाह नहीं है तो ये अहंकार बदल दिया बदलते ही वो और हो जाता है। बदलना शुभ में मिटाना कठिन पड़ता है शुद्ध में तो शुभ नहीं कठिन बदलने मिटाने में कठिनता होती है और बदलने में शुभता है। कन्या बदल देती है मनुष्य साधु बदल देता है गोदाता है वो बदल देता है ये तो अभ्यास है अपने बदल सकते हैं ऐसे बदल दे उसको भगवान का बना दे चाहे ज्ञान योग से मिटा देगा है ही नहीं हम तो प्रकृति का अंश है महाभूतान्य अहंकार बिना प्रकृति अपरा जीव भूतम परा परा प्रकार संबंध अहंकार उधर का है अपना है ही नहीं हमारा है ही नहीं। नारायण नारायण।